क्योंकि उधर से रॉन्ग साइड, हालांकि बिल्कुल नज़दीक था बट पुलिस वाला खड़ा था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा ही घूमना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बार हो गया वो पर्सन मिलता नहीं है जब भी मैं जाता हूँ। तो पैसा हमारा ये चुपके रहना पड़ता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पे इंडिकेटर लगा के ही चला रहे हैं, इनको पता भी नहीं है। अंकल 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 इंडिकेटर दे नहीं रहे हैं और मोड़ रहे हैं, भाई कैसे चलते हैं यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और आज एक मीटिंग के लिए आया था बेसिकली, और वो मीटिंग हो गई है कंप्लीट, क्योंकि कल है संडे और संडे को एक कुछ धमाका ही समझ लो आप, मतलब तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। अब क्या आया था, क्यों आया था और किसके यहाँ आया था, तो वो सब आपको नेक्स्ट जो संडे को जो मैं शूट करने वाला हूँ तब आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से बढ़िया मीटिंग हो गई और सब कुछ डन हो चुका है, चलते हैं अपन हमारे भाई से मिलने, हमारे इश्तियाक जी, जिसकी मैंने शादी का वीडियो शूट किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा, मतलब काफ़ी मस्ती मजाक के रही थी, तो वो भी इसका लिंक आई बटन में आ रहा होगा, तो वो भी वीडियो आप जाके देखो। तो वो अभी बैठा है एक चाय की शॉप पर। अब वो चाय की शॉप का नाम तो थोड़ा सा अटपटा है, तो वहाँ पर जाके ही मैं आपको बता दूँगा कि उस चाय की शॉप का नाम क्या है। तो ये हम नागौरी टी स्टॉल के पास वाला जो है वहाँ तक आ गए, और हमारे भाई इश्तियाक भाई कहाँ बैठा है वो देखना पड़ेगा। तो कहाँ पर है देखना पड़ेगा भाई वो। ओके पता चल गया कहाँ पर है वो, तो वहाँ चलते हैं। और जो जगह है उसका नाम तो वहीं चल के ही मैं बताऊँगा आपको। तो यहाँ से ले लेते हैं अपन यू टर्न, क्योंकि उधर से रॉन्ग साइड, हालांकि बिल्कुल नज़दीक था बट पुलिस वाला खड़ा था, इसलिए मैंने सोचा यार थोड़ा सा ही घूमना पड़ेगा, तो घूम के चल जाते हैं। लो साहब, जहाँ पे हमको जाना था वो जगह आ गई, तो हाँ थोड़ी सी आगे है। तो हमें जिस जगह आना था आ गई। इस चाय वाले की शॉप का नाम है पंटरपुरी चाय। भाई नाम थोड़ा सा क्या अटपटा सा है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है पढ़ने में और मैं भूल भी जाता हूँ। और ये रहे हमारे इश्तियाक भाई, कहाँ है कलीम जी, कहाँ आए नहीं क्या। तो एक बंदा और अभी आ रहा है, उसको लगाया जा रहा है यहाँ से फ़ोन, तो एक और वो आ जाए फिर ही थोड़ी गपशप करेंगे, और अगर हुआ तो उनसे भी आपको मिलवाएंगे, नहीं तो फिर आप थोड़ी देर बाद में ही वीडियो करेंगे कंटिन्यू। सो यहाँ पे काफ़ी देर चिल मारने के बाद मैं चाय वाय पी ली, और एक जाने का इंतज़ार था तो वो तो आया नहीं। ठीक है भाई, तो अब भाई इश्तियाक भाई भी हमारे निकल गए, कुछ काम था इनको, और मैं अब जाता हूँ भाई सीधा घर, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर वाली हो गई ना, मतलब लीवर भी मतलब तपरा है यार जोरदार। और मैं सोच रहा हूँ एक बॉम्बे मोटर में एक पर्सन से मिलते हुए जाएं, अगर वो पर्सन मिल गया तो मैं वीडियो में ले लूँगा, अगर नहीं मिला तो भी अपन निकलेंगे सीधा, क्योंकि काफ़ी बार हो गया वो पर्सन मिलता नहीं है जब भी मैं जाता हूँ, तो वो कौन है, तो वो तो अब वहाँ पे जाएंगे तब ही पता चलेगा अगर अवेलेबल हुआ। तो बॉम्बे मोटर सर्कल तक आ गए, और जिस पर्सन के लिए थोड़ी देर पहले जो जिक्र किया था, तो देखते हैं अगर वो मिल पाता है तो ठीक है, उनको वीडियो में लेंगे, नहीं तो फिर कंटिन्यू जैसे आपसे बातें करते करते घर चले जाएंगे हम। और आज ऐसा कुछ मेरे को ना रिएक्शन मिल पाए हैं ना कुछ बात, तो देखते हैं आज का, मेरे को लग रहा है एकदम शांत मोटो ब्लॉग होने वाला है हमारा। और जिस पर्सन के लिए मैं जब बोल रहा था रास्ते में, आज वो पर्सन हमको यहाँ पर मिल गए हैं, तो वो है ये। मतलब जब भी आता हूँ तुम तो दिखते ही नहीं हो, पूछो उनसे कितनी बार आके गया मैं, ये लो फ़ोन में बिजी है कितनी बार आके गए, मिलते ही नहीं है यहाँ पे, जब भी आता हूँ कहाँ है भाई साहब, बिजी आदमी हो।
तो पैसा हमारा ये छुपके रहना पड़ता है। चलो दोस्तों, इन सब थोड़ी बातें चीतें करते हैं, उसके बाद में करेंगे इस वीडियो को कंटिन्यू। ठीक है आमिर जी, चलते हैं। और काफ़ी बातें की और धमाका भी बाकी है तो हमारे व्यूवर्स के लिए। पिछले वीडियो में जो बोला था जीटी वाला, और दोस्तों मौसम हो गया थोड़ा ख़राब, तो मैं सोच रहा हूँ फटाफट से घर पहुँच जाते हैं, क्योंकि मेरे पास वाटरप्रूफ वाला केस है नहीं, तो दिक्कत ना हो जाए, इसलिए ज़्यादा बातें भी नहीं कर पाऊँगा मैं आप लोगों से। और थोड़ी सी तेज़ मेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई दिक्कत हो गई, कैमरा गीला हो गया तो नुकसान हो जाएगा बिना मतलब। तो फटाफट से पहुंचते हैं भाई, देख सकते हो आप मौसम तो खतरनाक वाला हो गया है। मतलब बादल गरज रहे हैं जबरदस्त, और सामने भाई ओ हो खतरनाक वाला मौसम बन गया यार। मतलब मूसलाधार बारिश आएगी जिस हिसाब से। जब दोपहर में जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो मैंने आपको बताया था भैया उमस तगड़ी हो गई है, और लो बरसात का स्टार्ट हो गया है, हल्की सी यहाँ पर रुकी है। तब मैं निकला भाई, अभी बीच में बहुत तेज़ आ गई थी, और आगे की तरफ शायद मेरे को बरसात मिल सकती है, तो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। और अभी टाइम हो रहा है 5:10 कम, और मुझे दोबारा से आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को कुछ पिकअप करना है 7-8 बजे करीब। उस टाइम यार बारिश नहीं हो तो ज़्यादा सही रहेगा, और सुबह अगर बारिश आ गई तो भैया कल का पूरा प्लान हमारा चौपट हो जाएगा। तो मैं दुआ करता हूँ कल सुबह बारिश ना मिले हमें, और जितनी बारिश आनी है और आज रात को आ जाए, और जो मैं अभी रात को पिकअप करने जा रहा हूँ तो वो मैं आराम से करके आ जाऊँ। हल्की हल्की वापस शुरू हो गई है बारिश, मैं सोच रहा हूँ फटाफट से पहुँच जाऊँ, तेज़ ना हो, और ऐसी जगह तक मैं जाके रुकूँ भली तेज़ आ जाए, जहाँ पर मैं सेफली खड़ा हो जाऊँ। और यहाँ पे सिग्नल में सिर्फ 7 सेकंड बचे हैं, तो निकल पाएंगे या नहीं? नहीं, हम निकल जाएंगे, 7 सेकंड है अभी। चलो निकल गए इस सिग्नल से, तो क्योंकि मेरे को अभी कहीं पे भी रुकने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पे इंडिकेटर लगा के ही चला रहे हैं, इनको पता भी नहीं है। अरे इंडिकेटर बंद कर लो, इंडिकेटर इंडिकेटर। तो हमने यहाँ पे इनको अलर्ट कर दिया कि सीधे सीधे चलते जा रहे, और इंडिकेटर दिया हुआ है। दूसरों को कन्फ्यूज़न हो जाता है ना कि भाई मुड़ेगा या नहीं मुड़ेगा, अलर्ट करना सही रहता है। अगर आप लोगों को भी अगर ऐसा कोई दिख जाए तो अलर्ट कर देना चाहिए कि भैया आप मुड़ नहीं रहे हो, टर्न कुछ ले नहीं रहे, और इंडिकेटर आपका स्टार्ट है। जो पीछे से जो भी आ रहा है तो उसको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे मौसम देखो यार, मतलब बादल इतने खतरनाक वाले मतलब हो रखा है, मौसम बना हुआ है बारिश का। बस मैं टाइमली घर पहुँच जाऊँ तो ये ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो भैया इस मोटो ब्लॉक की दोबारा बच जाएगी अगर बरसात स्टार्ट हो गई। और मुझे उम्मीद है कि बारिश स्टार्ट होने से पहले मैं अपने घर तक पहुँच जाऊँगा। तो देखते हैं कि आज कैसा रहता है, वीडियो आधा अधूरा रहेगा या अपन पूरा कंप्लीट वीडियो को एंड करेंगे जैसे कि हमेशा से करते हैं। अंकल 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 इंडिकेटर दे नहीं रहे हैं और मोड़ रहे हैं, भाई कैसे चलते हैं यार। ओहो यहाँ पर भयंकर ही ट्रैफिक जाम लग रहा है, तो इधर से चल लेते हैं ज़्यादा सही रहेगा। तो ऑफ रोडिंग वाली रोड आ गई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा, इस वाले पैच को थोड़ा जल्दी जल्दी क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी है बारिश। लोजाप हमारा जो ऑफ रोड वाला जो पैच था वो हो गया कम्प्लीट, और यहाँ पे थोड़ी सी मिल गई है हमको भीड़। तो मुझे भीड़ जहाँ जहाँ दिख रही है भाई, मेरे को थोड़ा लग रहा है डर। अरे ऑटो वाला फटाफट चला ले भाई, क्यों इतने धीरे धीरे चल रहा है, रास्ता भी नहीं दे रहा है और ख़ुद भी इतना धीरे धीरे चल रहा है, ऐसे कैसे चलेगा। ये देखो बिल्कुल बोला, पूरी रोड रोक के चला रहा भाई। सो दोस्तों ऑलमोस्ट घर के नज़दीक तक पहुंच गए, और अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर की फिर मत जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना कैमरे से ऐसे बनाए रखो। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन, कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।